हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को होते हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। इस युद्ध में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस बीच रसिया ने यूक्रेन के शहरों पर बमबारी, मिसाइल हमले और तेज कर दिए हैं। इस युद्ध में यूक्रेन के साथ साथ रसिया को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10,000 रूसी सैनिक, 700 से ज़्यादा प्लेन और 100 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पाबंदियों की वजह से रूस बौखला गया है। उसने कहा है, अस्तित्व पर खतरा आता है तो वह परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। वह दुनिया के किसी भी कोने तक परमाणु हमला करने में सक्षम है, यहाँ तक कि रूस पनडुब्बियों के माध्यम से ड्रोन से परमाणु हमले की तैयारी भी कर रहा है। इन सबसे इतर नाटो देशों ने भी रूसी सीमा के पास लगभग 30,000 सैनिकों के साथ नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसे रूस के खिलाफ नाटो की युद्ध तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नॉर्वे की 200 किलोमीटर जमीनी सीमा रूस से मिलती है और इसकी टाइमिंग तृतीय विश्व युद्ध की आहट लग रही है। इस युद्धाभ्यास को नाटो देशों ने कोल्ड रिस्पॉन्स नाम दिया है। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण का ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर के बाद क्या हुआ ये दुनिया के लिए अभी तक सीक्रेट है। वहीं पर इन सबके बीच भारत ने अपनी वैश्विक कूटनीति में मिसाल पेश करते हुए तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वह पुनः वोटिंग से दूर रहा। वहीं चीन ने रूस के पक्ष में वोट किया है। भारत सहित अन्य 12 देशों ने भी वोटिंग से दूरी बनाई है। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।